मध्य प्रदेश के खरगोन में कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक ही दिन में तकरीबन 69 लोग कोरोना संक्रमित मिले। साथ ही 1 मार्च से लगातार अब तक मरीजों की संख्या 482 हो गई, जिसमें 114 लोगों की मौत हो गई है। ऐसी विकराल परिस्थिति को देखते हुए जांच करने पर आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसने शासन प्रशासन की चिंता को और बढ़ा दिया है। वहीं बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए शासन स्तर पर प्रशासन ने रविवार को खरगोन में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर दिवेश वर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बीमारी से बचा जा सकता है। जो बढ़ने लगे हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है हमारे लिए, और पूरी जनता को भी इसमें सचेत होने की मैं चेतावनी देता हूँ कि बिना मास्क के घर से बाहर न निकले, अनावश्यक रूप से भीड़ में ना जाए, घर के बुजुर्गों को बिल्कुल ना निकलने दे, उनको सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी के लिए यदि किसी डॉक्टर को दिखाना है तो ही जाए, क्योंकि ये अब बहुत जल्दी फैलने लगा है। आज की कल की डेट में हमारे पास 69 मरीज आए हैं, जिसमें कल एक डेथ हुई, वो है वो आउट ऑफ स्टेट की, और अभी तक के टोटल अपने पास में इस महीने 482 के हिसाब है, जबकि पिछले महीने की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो जैसे लॉकडाउन भी रविवार को बता रहे हैं, रविवार तो लॉकडाउन का ठीक है, थोड़ा तो कंट्रोल होगा उसमें, पर ज़्यादा भीड़ जहाँ रहेगी उसको कट डाउन करना चाहिए, और वो जनता को ही करेगी, और मास्क भी जनता पर रहा है, क्योंकि जब लोग 100% मास्क पहन लेंगे तो हम इस बीमारी का ट्रांसमिशन 95% तक ख़त्म कर सकते हैं।